क्वेश्चन नंबर 11 में हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है log बेस 7 log x बेस 7 का. बढ़िया क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है. मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला log x बेस a का, log x बेस a सिखाया था, वो होता था 1 अपॉन x log a. लेकिन इस पूरे पे मैंने बॉक्स लगाया तो मेरे लिए क्या बन गया, ये x, ये मेरे लिए x है और ये मेरे लिए a. तो log a x का फॉर्मूला लग गया, क्या होता है 1 अपॉन x, 1 अपॉन x log a, a की जगह क्या है 7. और डिफरेंशिएशन किस का, बॉक्स का, बॉक्स में कौन, log x बेस है. अब देखो log a x का फिर से फॉर्मूला बन जाता है, तो हमारे पास है 1 अपॉन log x बेस 7, फिर आया log 7, log a x का फॉर्मूला 1 अपॉन x log a, log 7, log 7 बन गया हमारे पास log 7 का स्क्वायर. एक x भी है और यहाँ पर है log x 7. इसमें एक काम करते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये जो है वैसे इस आंसर को आप यहाँ भी छोड़ के आ सकते हैं, लेकिन क्या किया जा सकता है वो देखिएगा. x आया, log 7 का स्क्वायर आया, ये हमने लिखा इसे ब्रेक करके जो प्रॉपर्टी सिखाई थी, ठीक है, log x अपॉन log 7 सिखाए थे, log भी अपॉन log a कर सकते हैं, तो log 7 से एक पावर कैंसिल हो गई, तो हमारे पास फाइनली आंसर आया x आया, log 7 आया और log x आया. समझ में आया. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12. बढ़िया क्वेश्चन, हमें डिफरेंशिएशन निकालना है log 2 बेस x. देखिए मैंने आपको जो फॉर्मूला दिया है वो बेस में कांस्टेंट का दिया है, log x बेस a दिया है. यहाँ उल्टा नहीं हो रहा सिस्टम, यहाँ पे बेस में x आ रहा है और नंबर में 2 आ रहा है. तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी भी तो सिखाई है कि अगर आप इन्हें पलट दें तो ये अपनी पोजिशन को बदल देंगे और हमारे पास बन गया. अब देखो मैंने अगर इस पर बॉक्स लगाऊं तो मेरे लिए क्या बन गया, 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन सिखाया है माइनस का 1 अपॉन x का स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन किस का, बॉक्स का. आप देखो ये तो log ax का फॉर्मूला बन जाएगा और बन गया हमारे पास 1 अपॉन log x बेस 2 का स्क्वायर, और ये हो गया 1 अपॉन x log a. ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13. 13 में हमारे पास है डिफरेंशिएशन log 10 pi by 4 plus x by 2. थोड़ी प्रिंटिंग एरर है उसमें, देख लीजिएगा. ठीक है, ये हो गया 13. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 की तो जगह नहीं है, 15 अभी हमें करना नहीं है, 16. ठीक है,